घटना थाना दक्षिण क्षेत्र के कोटला मोहल्ला की है, जहां दीपावली के त्योहार पर फायरिंग से क्षेत्र में फैली दहशत। मामूली कहासुनी में दो पक्ष आपस में भिड़े, जमकर हुई ताबड़तोड़ फायरिंग। दोनों पक्ष के 5 लोग घायल। देखते ही देखते दोनों तरफ से हथियार निकल आए और जमकर फायरिंग भी हुई। इस घटना में गोली लगने से 5 लोग घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक 3 लोगों को प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है, जबकि 2 घायलों को जिला अस्पताल से प्राथमिक उपचार देने के बाद आगरा रेफर कर दिया गया। पुलिस फायरिंग करने वालों की तलाश कर रही है। वहीं लोग देर रात दीपावली के त्योहार का आनंद ले रहे थे, तभी अचानक हुई ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज से सनसनी फैल गई, जिसमें 5 लोगों को गोली लगी। आनन फानन में सभी को अस्पताल भेजा गया। घायलों में एक पक्ष के 3 लोग हैं, जबकि दूसरे पक्ष के 2 लोग हैं। 3 घायलों को एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जबकि 2 घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद आगरा रेफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलते ही कई थानों की पुलिस और विभाग के उच्च अधिकारी भी मौके पर पहुंचे और घटना के बारे में जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक कुछ लोग एक दुकान पर खड़े थे, जिनमें किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी। कुछ ही देर में माहौल उग्र हो गया और गोलीबारी तक पहुंच गई। देखिए फिरोजाबाद से हमारे विशेष संवाददाता करण कुमार की एक खास रिपोर्ट। कुछ लोगों ने फायरिंग की है, जिसमें 5 जख्मी हुए हैं। आखिर इस तरह से फायरिंग करने का इनको उद्देश्य क्या था और पुलिस ने कार्रवाई क्या की? देखिए, आपकी जानकारी में लाना चाहूंगा, ये भीड़भाड़ के चलते रास्ते में तमाशेबाजी को लेकर के ये बात पड़ी, जिसमें 12 लोग के छबरे लगे हैं, जो 5 लोग घायल हुए हैं, आउट ऑफ डेंजर हैं और बॉडी के नीचे वाले पार्ट में लगे हुए हैं। इसमें FIR हमारे पास आई है, जिसमें 4 लोगों को नियम किया गया है, जिसमें 2 लोगों की गिरफ्तारी की जा रही है और 2 लोगों की गिरफ्तारी का प्रयास जारी है। हमारा प्रयास है कि जल्दी से जल्दी वो गिरफ्तारी सुनिश्चित कर ली जाए, ताकि मौके पर पूर्ण शांति व्यवस्था की स्थापना करें। अच्छा, अभी छठ पूजा रह गई है और आज भी क्या कहते हैं त्यौहार है, तो कुछ इन सेंसिटिव एरिया में अतिरिक्त फोर्स की व्यवस्था की जा रही है? पूरे शहर के इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल डाला गया है। विभिन्न पुलिस इकाइयों से लगभग 50 के करीब कॉन्स्टेबल लेकर के उनकी पिकेटिंग की गई है, जैसा कि आप बाजार में देखेंगे, जगह जगह आपको पुलिस डिप्लॉयड मिलेगी। और ऐसे सेंसिटिव पॉइंट जहां पर झगड़ा हो सकता है, या मिक्स पॉपुलेशन के इलाके हैं, या ऐसे इलाके जहां पूर्व में कभी कोई वारदात हुई हुई हो, ऐसे इलाकों को मैंने की। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अभिनव यादव है। क्या घटना हुई है, क्या हुआ था अभी? मैं और मेरे दोस्त अभी हम दोस्त के यहाँ से मिल के आ रहे थे, गोभी पुलिया पे हमने देखा कि ये सौरभ को डाल के मार रहे थे, राकेश वगैरह सब लोग इनको डाल के मारा जा रहा था, बहुत ही रचित किया। और ये सौरभ ये दोनों पिट रहे थे वहाँ। कौन लोग थे, पीटने वाले कौन थे? पीटने वाले धोबी वाली पुलिया के कुछ ब्राह्मण और सुनार लोग ये सब थे वहाँ के। राजेश, राकेश नाम है, राकेश भारद्वाज और भी 2-3 थे, मैं उनका नाम नहीं जानता, ये लोग और थे। तो ये डाल के उनको मार रहे थे, फिर राकेश ने बंदूक निकाल के गोली मारी, फिर राकेश ने बंदूक निकाल के गोली मारी तो सौरभ और रचित के जाके पैरों में कहीं भी पड़ी है। 2 लोग घायल हैं? 2 लोग घायल हैं सर, जो 2 लोग घायल हैं वे गिर पड़े हैं। तो हम वहाँ से भाग आए थे, हमें तो डर लग गया था साहब। HD मौल विद्यालय परिवार की तरफ से सभी नगरवासियों, देशवासियों को धनतेरस, दीपावली और भैया दूज व गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामना देते हैं और सभी से विनम्र निवेदन करते हैं, दीपावली त्योहार को हम लोग एक सुख शांति की तरह मनाएं।